तो बेटा आज हम आपसे बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है? सबसे पहले बेटा मैं आपसे कहूंगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, जैसे ये हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, यहां मैं बात कर रहा हूं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, और रिडक्शन का मतलब है जब हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। दूसरा बेटा कि ऑक्सीडेशन का ये मतलब भी है कि हाइड्रोजन का निकलना, और रिडक्शन का ये मतलब भी है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का निकलना। या बेटा मैं आपसे कहूं तो बेटा हम लोग इसको ऐसे समझते हैं बेटा, ये यदि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव निगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और यदि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल ऐड हो जाती है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। बेटे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है नॉन मेटल से, नॉन मेटल, और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है मेटल से। ओके, यदि ज्यादा मेटेलिक कोई जुड़ जाता है तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे, और यदि ज्यादा नॉन मेटेलिक कोई एलिमेंट जुड़ जाता है तो उसे, या उल्टा भी कह सकते हो आप इसको कि मोर, हाँ बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यदि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकल जाए तो उसे ऑक्सीडेशन कहिएगा, और यदि मोर, हाँ बेटा, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट यदि निकल जाए तो उसे आप रिडक्शन कह दीजिएगा। एक्चुअली बेटा ये जो डेफिनेशंस आप देख रहे हो ना, ये सब जितनी बातें आप देख रहे हो, ये सब की सब क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब क्लासिकल बात है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ओके, ये सब क्लासिकल है। कुछ एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि जैसे मैं आपसे कहूं सी प्लस ओ टू इज इक्वल टू सी ओ टू, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। एन टू प्लस थ्री एच टू, टू एन एस थ्री, तो इसका रिडक्शन हो गया। या मैं कहता हूं सी एच फोर प्लस सी एल टू सी एच थ्री सी एल, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। या बेटा मैं ऐसे बोल देता हूं सी ओ टू गिव सी ओ प्लस हाफ ओ टू, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही बेटा मेटल्स का जुड़ना रिडक्शन होता है, और नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। ये बेटा क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्या है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है क्या, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या मतलब है कि यहां ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और यहां रिडक्शन का क्या मतलब है। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करें कि सोडियम से सोडियम पॉजिटिव का बनना, दिस इज ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन से क्लोराइड का बनना, दिस इज रिडक्शन। ओके, इस तरीके से बेटा मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश की। लेकिन बेटा मैं अब इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छा आपको तब पढ़ा सकता हूँ जब मैं एक छोटी सी टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर, मैं उसके बारे में आपको बता दूँ।
तो अब बेटा मैं डिस्कशन करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एक्चुअली बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड को जब कोई एलिमेंट फॉर्म करता है तो उस दरमियान वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। या हम ये कहिएगा चार्ज ऑन एटम इन मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लिया जाए कि ये आपके पास H और ये Cl, HCl, यहां पर H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इन HCl इज इक्वल टू +1 और ऑक्सीडेशन नंबर Cl इन HCl इज इक्वल टू -1। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो मैं जरा इसके पॉइंट्स कुछ आपको छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें बेटा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये फ्री स्टेट क्या है? ये जो आप फ्री स्टेट शब्द यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है बेटा न्यूट्रल कंपाउंड हैव ओनली वन टाइप एटम। ये न्यूट्रल कंपाउंड है और इसके पास एक ही टाइप के का। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको थोड़ा इसको इस ढंग से समझना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इन ओ टू तो आंसर आ जाएगा 0। ओ का ओ टू में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्यों? इसके पास केवल एक ही टाइप के एलिमेंट है और चार्ज नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इन एन टू 0, बिल्कुल सही बात है। अब यदि आपसे पूछूं मैं कि सोडियम पॉजिटिव दिस इज द कंबाइन स्टेट और फ्री स्टेट, मेरा जवाब होगा दिस इज कंबाइन स्टेट। ये कंबाइन स्टेट है, ये फ्री स्टेट नहीं है। क्यों? एटम तो एक ही टाइप का है लेकिन इस पे चार्ज है। क्लोराइड जो है बेटा ये फ्री स्टेट नहीं है, दिस इज कंबाइन स्टेट। ओके, यदि मैं आपसे बात करूं P4, दिस इज फ्री स्टेट। मैं बात करता हूं S8, दिस इज फ्री स्टेट। मैं बात करता हूं डायमंड, फ्री स्टेट। तो यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां डायमंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट्स। नंबर 2 पर बेटा मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, जनरली +1। हमेशा आमतौर पे +1 होता है, बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज -1।
लेकिन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब ये बच्चे कहते हैं सर ये मेटल हाइड्राइड क्या है? मेटल हाइड्राइड का मतलब होता है कि व्हेन मेटल डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन इज नोन एज मेटल हाइड्राइड्स। जैसे एग्जांपल, यदि हम बात करें सोडियम हाइड्राइड, यदि हम सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हम बात करते हैं LiH -1, तो मेटल हाइड्राइड को छोड़ दूं तो हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है। ठीक है, ओके। अब बेटा हम दूसरी बार बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, तो यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये कैसे, इसको समझें। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जनरली -2, जनरली बेटा -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड के अंदर -1, सुपरऑक्साइड पर -0.5, OF2 +2। परऑक्साइड में -1, सुपरऑक्साइड में -0.5, OF2 में +2। ओके, तो बच्चे कहते हैं सर ये परऑक्साइड किसे कहते हैं? परऑक्साइड का मतलब होता है जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इसे परऑक्साइड बोलते हैं। सुपरऑक्साइड कौन है बेटा? पूरी केमिस्ट्री में हमारे 3 ही सुपरऑक्साइड है, ये 3 सुपरऑक्साइड है। तो ये पोटेशियम सुपरऑक्साइड, रुबिडियम सुपरऑक्साइड, सीजियम, यहां ऑक्सीडेशन नंबर -0.5, -0.5, -0.5। ओके, और OF2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ये 3 सुपरऑक्साइड हैं, ये बेटा इनके ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बता दिए। अब बच्चे कहते हैं परऑक्साइड, अब जैसे मान लो हमने कहा ये कोई कंपाउंड है, मान लो ये एक कंपाउंड मैंने लिखा, यहां पर बेटा ऑक्सीडेशन का -2, -2, -2, लेकिन यहां मुझे -1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां ऑक्सीजन परऑक्साइड की फॉर्म में है, और परऑक्साइड की फॉर्म में जब भी ऑक्सीजन होगी उसका -1 होगा। ठीक है, अब बेटा हम एक पॉइंट, नेक्स्ट नंबर 4th पॉइंट बेटा मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनाइल इज ऑलवेज 0। मतलब अब ये मेटल प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड इज इक्वल टू मेटल कार्बोनाइल। आप मुझे बोल रहे हैं निकल कार्बोनाइल, तो निकल कार्बोनाइल में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। आयरन कार्बोनाइल, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऐसे ही बेटा कोबाल्ट कार्बोनाइल, तो कोबाल्ट कार्बोनाइल में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। चलिएगा, इसके बाद बेटा हम, ये था आपका, अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स। तो बेटा नॉर्मल एलिमेंट्स में हम लोग कैसे हैं? तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉर्मल एलिमेंट, जैसे फर्स्ट ए, जिसको फर्स्ट रूप आप बोलते हो, LiNaKRbCSFr। सेकंड ए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसको बेटा याद मैंने ऐसे रखा हुआ है, लीना ने की रब से फरियाद। और हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इसके बाद थर्ड ए, जिसको आप 13 बोलते हो, बैंगन,
आलू गाजर इन थेला. 14th ग्रुप जिसको आप बोलोगे कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम. 15th न्यूज पेपर आज सब बिके. उसके बाद बेटा 16th ग्रुप उस से टीपो कॉपी करो. उसके बाद 17th फुल कलर ब्राइट इन अकाई टीवी. फुल कलर ब्राइट इन अकाई टीवी. इसके बाद 18th जीरो जिसको हम बात बोलते हैं हीना और करीना के एक्सरे रंगीन. ओके अब देखिए बेटा ये आपका फर्स्ट ग्रुप है. यहां पर हम लिखते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और यहां लिखेंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर. ये जो एलिमेंट है फर्स्ट ए यहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अपने कंपाउंड में केवल प्लस वन शो कर सकते हैं. इसके अलावा बेटा ये कोई ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेंगे. इसके बाद सेकेंड ए के जो एलिमेंट है बेटा वो अपने कंपाउंड्स में केवल और केवल प्लस टू शो करेंगे. इसके अलावा प्लस टू के अलावा ये कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकते. और ये जो 13 के बेटा ये प्लस थ्री शो करेंगे. इसके अलावा कुछ भी शो नहीं करेंगे. हाँ कुछ केसेस में मुझे इसका प्लस वन और इसका भी प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है तो ये थोड़ा कम है रेयर. तो ये एलिमेंट्स की और इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका आंसर है जो मैं आगे आपको लेक्चर्स होंगे तो उसमें बताऊंगा कि ये प्लस वन क्यों ऐसा हो जाता है. आमतौर पर ये जो एलिमेंट है वो प्लस थ्री ही शो करते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन और इसका भी प्लस वन कुछ कंपाउंड्स में होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. चलिए यहां पर यदि मैं देखूं तो ये प्लस फोर और यहां माइनस फोर मिनिमम. अब बच्चे कहते हैं कि क्या ये प्लस फोर और माइनस फोर शो करते हैं. नहीं ये प्लस फोर और माइनस फोर के साथ साथ इनके बीच में कोई भी इंटीग्रल फ्रैक्शन नंबर है वो सब इसके साथ जुड़ जाता है. प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री बाई टू जो फ्रैक्शन और इंटीग्रल और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है इनके बीच. यहां ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव ये माइनस थ्री. प्लस फाइव और माइनस थ्री के बीच में कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर इनका हो सकता है. और इसका प्लस सिक्स माइनस टू इनके बीच में कोई भी नंबर पॉसिबल है. और यहां पर बेटा प्लस सेवन माइनस वन के बीच में कोई भी इंटीग्रल फ्रैक्शनल पॉसिबल हो सकता है. कोई भी पॉसिबल हो सकता है लेकिन फ्लोरीन जो होता है बेटा वो केवल और केवल माइनस वन शो करता है. ऑक्सीजन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. इसके बाद इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तक ये जा सकते हैं वो 8. तो ये तो बेटा आमतौर पे कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते हैं. कुछ कंपाउंड्स हमें रेडॉन के ऑब्जर्व हुए हैं कुछ क्रिप्टन के लेकिन इनके लिए माना जाता है 8 नंबर से ज़्यादा तो ये भी नहीं शो कर सकते. और हमारी पूरे पीरियडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका 8 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी ऑब्जर्व किया जाता हो. चलिए ओके अब बेटा ये नॉर्मल एलिमेंट थे. अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कुछ आयंस के. कुछ आयंस को बेटा हम याद कर लेंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें याद हो जाते हैं. जैसे आप याद रखिएगा दिस इज सल्फेट. इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू मतलब जितना इसके ऊपर चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर. दिस इज सल्फेट इसे बोलेंगे सल्फेट. और SO4 SO3 डबल नेगेटिव. दिस इज सल्फाइट इसको बोला जाएगा सल्फाइट. दिस इज माइनस टू. इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रेट माइनस वन. दिस इज नाइट्रेट. दिस इज नाइट्राइट. दिस इज माइनस वन. इसके बाद साइनाइड माइनस वन आइसोसाइनाइड माइनस वन. दिस इज कार्बोनेट माइनस टू.
दिस इज सल्फाइड माइनस टू एंड दिस इज क्लोराइड माइनस वन. ऐसे ही बेटा दिस इज फॉस्फेट माइनस थ्री, दिस इज ऑक्सलेट माइनस टू, और यदि मान लो कैटायन एनायन में दिस इज परक्लोरेट माइनस वन, दिस इज क्लोरेट माइनस वन, सोडियम आयन प्लस वन, कैल्शियम आयन प्लस टू, एल्युमिनियम आयन प्लस थ्री एटसेट्रा. ओके, तो ये बेटा इनके आयन्स के ऑक्सीडेशन नंबर. अब बेटा हम आपको बताएंगे किस तरीके से किसी कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन नंबर, अभी तो बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको एवरेज मेथड के जरिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटेक्ट करते हैं. जरा ध्यान दीजिए, के एम एन ओ फोर. अब बेटा के एम एन ओ फोर है, अब इस के एम एन ओ फोर में आप एम एन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें. ए इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सबसे पहले बेटा मैं देखूंगा इस ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, जीरो. पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, बिल्कुल सही बात है. एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स, बिल्कुल सही बात है. ऑक्सीजन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली तो माइनस टू ही देते हैं, परोक्साइड सुपर ऑक्साइड या ऑफ टू में जाके चेंज होता है, वो ऐसा कोई केस मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा. चलिए, तो आंसर इसका आ जाएगा सेवन. आपने मुझे कहा कि सर H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहां हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 2 × 4 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू सिक्स. ओके, KNO3 में K प्लस वन एक्स माइनस 2 × 3 जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू 5. यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो जाता है, बिल्कुल सही बात है. तो बेटा ऐसे ही हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं. इसमें ना कई बार हम कुछ ऐसे केसेस में फंसते हैं जहां हमें कुछ मुश्किलात आ जाती हैं. जैसे क्या हुआ कि मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि भैया H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो उसने क्या किया, 2 × 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 2 × 5 इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 8. उसने कहा सर आंसर 8 है. मैंने कहा आंसर 8 कैसे हो सकता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि हमारा जो सल्फर है बेटा वो 16 ग्रुप का है और वहाँ पे माइनस 2 प्लस 6 की लिमिट है, माइनस 2 से कम नहीं हो सकता, प्लस 6 से ज़्यादा नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो. उसने कहा हाँ बात तो सही है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए. मैंने कहा जब कभी किसी सेंट्रल एलिमेंट का या किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो उसकी लिमिट से ज़्यादा आने लगे, तो समझ जाइएगा कि उस कंपाउंड में परोक्साइड लिंकेज है. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर परोक्साइड लिंकेज है. तो परोक्साइड लिंकेज है क्या मतलब, जैसे ये ए, इसका माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस टू. अरे भाई तो सीधी बात हो गई ना कि दो ऑक्सीजन है, तो ऐसे हैं जिनका ऑक्सीजन माइनस वन और आपने सभी का ही माइनस टू लिया, इसलिए गड़बड़ हुई. ओके, चलिएगा इसके अंदर CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस माइनस 2 × 2 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू 4. ओके, आप लिखते हैं चलो सर ठीक है, चलिए एक कंपाउंड में और आपको देता हूँ, शायद आप उसमें आप बहुत अच्छे से आप उसको सॉल्व कर डालें. जैसे मान लो मैंने आपसे कहा K4Fe(CN)6, तो यहाँ Fe का बताइए. तो यहाँ K4 × 1 प्लस एक्स और साइनाइड का माइनस वन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 2. आपने मुझे कहा कि सर K3Fe(CN)6 में Fe का निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, क्या
3 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3, तो यहां इसमें कोई डाउट? तो बेटा इस तरीके से हमने इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमने सेंट्रल एलिमेंट्स के निकाले हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी बातें आपको ठीक से समझ में आई होंगी। और अभी हम लोग आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं एक असाइनमेंट लगाऊंगा, आप उस असाइनमेंट को करिए और करने के बाद मुझे ज़रूर उसके रिस्पांस दीजिएगा, मतलब उसको आप करिए, सबमिट कर दीजिए उसको, तो मेरे पास उसके आंसर आ जाए और फिर मैं अगले दिन मैं आपको उसका डिस्कशन भी आपके बैच में करूँगा। तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं और कल फिर से हम शुरुआत करेंगे नए लेक्चर की और नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा बैलेंसिंग। पहले तो आपको बताऊंगा कि हमारी जो रिएक्शंस हैं, अब जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, कल मैं बताऊंगा आपको वो कितने टाइप की होती हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। और फिर एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो टॉपिक है ये बेटा हमारा अगला लेक्चर है इसके बाद। तो मुझे इसके बाद आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब डिस्कशन करना है। तो आप बहुत अच्छे से आप जुड़िए बैच के साथ और आपको मज़ा आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको बच्चे, जितने भी हम ये टॉपिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को बहुत अच्छा फील होने वाला है। तो यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू बेटा।